जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। बोल कि लब आजाद है तेरे, बोल सभा अब तक तेरी है। नमस्कार, बोल कि लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। एक तो मुझे यह समझ नहीं आता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, एक आ जाए मोदी सरकार का 56 इंची राष्ट्रवाद है या पतंजलि का कोई प्रोडक्ट। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, आप जब भी किसी किराने की दुकान में जाते हैं और कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें उसके बारे में कई चीजें लिखी होती हैं कि ये फलाना कर देगा, ढिमकाना कर देगा, इससे ये फायदा होगा, मगर नीचे बहुत ही बारीक अक्षरों में लिखा होता है शर्तें लागू, टर्म्स एंड conditions अप्लाई। मोदी सरकार का राष्ट्रवाद भी बिल्कुल ऐसा ही है, यानी कि अगर आप पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत करें तो आपको देशद्रोही बता दिया जाएगा, अगर आप युद्ध के खिलाफ बयान दें तो आपको पाकिस्तान जाने की सलाह दे दी जाएगी, आपको पाकिस्तानी परस्त बता दिया जाएगा, अफजल प्रेमी गैंग बता दिया जाएगा। मगर यही बात जब मोदी जी करें तो हम खामोश रहते हैं। मैं आपको बताता हूं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों। पाकिस्तान का राष्ट्रीय दिवस था, भारत सरकार ने क्या किया, यह फैसला लिया कि हम पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस को बॉयकॉट करेंगे, जिसका अर्थ यह हुआ कि ना हम अपना कोई मंत्री जो है पाकिस्तानी हाई कमीशन में भेजेंगे, यानी कि उनका जो दूतावास है यहां पर, और इस्लामाबाद में भी जो हमारे उच्चायुक्त हैं, हाई कमिश्नर हैं, वो भी पाकिस्तान के किसी समारोह में शिरकत नहीं करेंगे, यह हमने बॉयकॉट किया। और दूसरी तरफ जब हमने बॉयकॉट किया तो प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे थे और क्या कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की जनता के नाम, इमरान खान के नाम प्रेम संदेश भेजा है। सबसे पहले तो मैं आप पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि वो कह क्या रहे हैं। इमरान खान के ट्विटर हैंडल पर प्रधानमंत्री का यह संदेश आया है जिसमें प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान की जनता को, गौर कीजिएगा इस शब्द पर, मैं पाकिस्तान की जनता को अपना बधाई संदेश देता हूं। प्रधानमंत्री आगे कहते हैं, वक्त आ गया है कि दक्षिणी उपमहाद्वीप के लोग एक लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण, प्रगतिशील और संपन्न इलाके के लिए एक ऐसे माहौल में काम करें जिसमें आतंक और हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। यानी कि एक तरफ आप बॉयकॉट कर रहे थे राष्ट्रीय दिवस को और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री पाकिस्तान की जनता को प्रेम संदेश भेज रहे थे। दोस्तों मैं स्पष्ट कर दूं इसमें कुछ गलत नहीं है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें पूरा अधिकार है भेजने का, मगर आपका राष्ट्रवाद जो है उसके दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। आप करें तो ठीक है, सैम पेट्रोडा करे तो वो देशद्रोही कहलाया जाएगा, वो प्रो पाकिस्तानी कहलाया जाएगा। अगर मैं ये कहूं कि भाई पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं होना चाहिए क्योंकि युद्ध से नुकसान होता है, हमारे सैनिकों की जान जाती है और हमें कोशिश करनी चाहिए शांतिपूर्ण बातचीत की, तो आप मुझे देशद्रोही करेंगे, मगर आप छुपके से पाकिस्तान को यह प्रेम संदेश भेजते हैं। मेरा पहला आपसे सवाल है कि आप छुपके से क्यों भेज रहे हैं, आपको डंके की चोट पे भेजना चाहिए। हमें पता चला है इमरान खान के जरिए कि आपने उन्हें संदेश भेजा है, आपने अपने ट्विटर हैंडल पर यह नहीं डाला, तो यह चुपके से संदेश दे दिया गया। और दोस्तों सवाल यहां पर वो नहीं है, सवाल यह है कि कल जब पाकिस्तान के हाई कमीशन में पाकिस्तानी राष्ट्रीय दिवस का जलसा हो रहा था तो हमारे ही अपने देश के लोग जब प्रवेश कर रहे थे पाकिस्तानी उच्चायुक्त में तो उनसे 10 तरह के सवाल भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग पूछ रहे थे कि आप क्यों जा रहे हैं, आप अंदर क्यों जा रहे हैं, किसकी परमिशन से आप आ रहे हैं, अपना कार्ड दिखाइए। यानी कि आप अपनी देश की जनता को तो परेशान कर रहे हैं मगर आप खुद पाकिस्तान को यह संदेश भेज रहे हैं, ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों। दोस्तों मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यकीनन
पाकिस्तान की जनता के साथ संवाद कायम करना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि देखिए पाकिस्तान में सत्ता कई लेवल्स पर है। एक तो वहां का सिविलियन नेतृत्व यानी कि जो चुनकर आई सरकार है इमरान खान, फिर आईएसआई, फिर पाकिस्तानी आर्मी और फिर पाकिस्तान की जनता। पाकिस्तान की जनता चौथा तबका इसलिए है कि जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट होता है यानी कि पाकिस्तान की जनता और हमारे बीच जो संवाद, सीधा संवाद, इसे पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट कहते हैं। तो अगर प्रधानमंत्री पाकिस्तान की जनता को संदेश दे रहे हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। सैम पित्रोदा ने क्या कहा? सैम पित्रोदा ने कहा कि भाई 26/11 में अगर 10-11 लोगों ने आगे हमला किया या फिर पुलवामा में हमला हुआ तो उसका दोष हम पाकिस्तान की जनता पर नहीं मढ़ सकते। मगर न्यूज चैनल्स ने क्या किया, उन्होंने पाकिस्तान की जनता शब्द हटा दिया, पाकिस्तान जोड़ दिया कि सैम पित्रोदा पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। सैम पित्रोदा भी तो पाकिस्तान की जनता की बात कर रहे थे ना, हालांकि क्यों कहा उन्होंने मुझे समझ नहीं आया अभी। उन्हें जरूरत नहीं थी ये कहने की, खासकर इस ऐसे वक्त पे। मगर फिर राष्ट्रवाद के दोहरे मायने नहीं हो सकते। यह नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री करें तो ठीक है, मगर दूसरे करें तो, यानी कि आप करें तो प्यार और दूसरे करें तो, समझ गए ना आप दोस्तों। यही नहीं, ये दोहरे मापदंड और भी कई मायनों में उभर कर आ रहे हैं। पाकिस्तान की जनता के साथ बातचीत करके शायद मोदी जी शांति दूत मोदी बनना चाहते हैं। दूसरी तरफ पिछले 5 साल आपने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया आपने पिछले 5 साल, आप खामोश रहे। मगर अचानक चुनावी साल यानी कि 20 दिन रह गए हैं पहले चरण के मतदान में, आपने JKLF पर पाबंदी लगा दी, यासीन मलिक की संस्था पर आपने पाबंदी लगा दी। आपको यह करना चाहिए था आज से 5 साल पहले, आज आप कर रहे हैं, क्यों भाई? यानी कि इस सरकार में राष्ट्रवाद क्या सिर्फ चुनावों से जोड़कर देखा जाएगा? यानी कि आपके लिए देशभक्ति तब देशभक्ति है जब आपको सामने चुनाव दिखाई दे रहा हो। अब जाकर JKLF पर पाबंदी के क्या मायने रखते हैं या रहते हैं? और सबसे हास्यास्पद है जो वजह बताई गई है, वजह नंबर एक यह बताया गया है कि साहब ये 4 इंडियन एयरफोर्स हमारे सैनिकों की मौत के लिए जिम्मेदार हैं, ये रुबैया सईद के अपहरण के लिए जिम्मेदार हैं। और सवाल यहां पर ये कि तो 80 के दशक में बातें हो गई, तो अब जाकर आपको नींद से आप जाग रहे हैं। और यह भी कहा कि साहब 80 के दशक में 1989-90 में जो अब कश्मीरी पंडितों को घाटी से भगाया गया था उसके लिए JKLF जिम्मेदार है, बिल्कुल जिम्मेदार है। ये जो तमाम अपराध जिसके लिए कटघरे में रखा जा रहा है JKLF को, वो जिम्मेदार है। मगर मेरा सवाल इस सरकार से कि आपकी नींद अब जाकर क्यों जाग रही है भाई? आपका राष्ट्रवाद खोखला है ये मान लीजिए आप, जब चुनाव दिखाई दे रहे हैं तब आपको JKLF पर पाबंदी की सुधाई क्यों? ऐसा क्यों मुझे बताइए? इस तरह की अराजकता मचाने की क्या वजह है, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं। और दोस्तों दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूं। ये जो जैसे शुरुआत में मैंने कहा ना, प्रधानमंत्री का जो राष्ट्रवाद है ना, ये शर्तों के साथ आता है और ये राष्ट्रवाद जो है इसमें बहुत से झोल हैं बहुत सारे। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि जब डोकलाम में भारत और चीन के सैनिकों के बीच टकराव भरी स्थिति आती है तब आप क्या करते हैं? आप वुहान में जाकर चीनी राष्ट्रपति के साथ अनौपचारिक संवाद करते हैं, तब आप घुटने टेक देते हैं। उस पूरे 1 साल जब वुहान सम्मेलन को लेकर जज्बा चलता रहा, उस दौरान आपने मौलाना मसूद अजहर को लेकर कोई दबाव नहीं बनाया चीनी नेतृत्व पर। उसके बाद हाल ही में जब मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकवादी बनाने की भारत की पेशकश को चाइना ने रोक लगा दी, तब क्या हुआ? तब क्या किसी भी न्यूज चैनल ने चाइनीज गुड्स को बॉयकॉट करने की बात की या चीन पर हमला करने की बात की? चीन से आप पंगा नहीं लेंगे, ठीक है,
क्योंकि चुनावी साल है, टकराव हो गया, कुछ उल्टी सीधी बात हो गई, सारी चीजें आपकी चुनाव को लेकर है। चाहे आप जेकेएलएफ पर पाबंदी लगाएं, चाहे आप चीन के सामने बिल्कुल आपकी घिग्गी बन जाए, आप कुछ ना करें। दोस्तों, मैं आपको दो तीन चीजें आज कहना चाहूंगा। चाहे पाकिस्तानी जनता को संदेश भेजने की बात हो, या फिर चाइना के साथ चेक्स एंड बैलेंसेस का खेल हो, मैं मोदी सरकार के साथ हूं। मुझे आपत्ति किस बात की है मैं आपको बताता हूं। मुझे आपत्ति इस बात की है कि आप दूसरों को तो गाली देते हैं मगर आप खुद वो सब करते रहते हैं। आप में से कई लोग मुझसे पूछते हैं कि अभिसार आप बताइए आपका क्या मानना है कि क्या पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो आज मैं आपके सामने अपनी बात खुलकर रखना चाहता हूं। पाकिस्तान के सिविलियन लीडरशिप के साथ, प्रजातांत्रिक तौर पर चुन के आई सरकार के साथ बातचीत के कोई फायदे नहीं है। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है या पाकिस्तानी स्टेट है वो कई मोर्चों पर ऑपरेट करती है। एक तो सिविलियन लीडरशिप और फिर दूसरे में आईएसआई और आर्मी। जब तक आपकी आईएसआई और आर्मी के साथ सीधा संवाद नहीं होगा, इस बातचीत के कोई मायने नहीं है। क्योंकि ये वो आईएसआई है, ये वो पाकिस्तानी आर्मी है जो भारत को हजार घाव देकर तोड़ देना चाहता है। जब तक आप इसके साथ संवाद नहीं करेंगे या जब तक आप इस पर काबू नहीं पाएंगे, इस बातचीत के कोई मायने नहीं है। मगर यहां एक बहुत बड़ा मगर है दोस्तों, मगर जनता के बीच संवाद बना रहना चाहिए। दोनों सरकारों को इस बात को लेकर बढ़ावा देना चाहिए कि हमारे बीच जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है वो लगातार बना रहे। क्यों? क्योंकि चाहे पाकिस्तान की जनता हो या भारत की जनता हो, हम पर बेवजह हमारे सियासी नेतृत्व अपनी सियासत के लिए हमें लड़वाते रहते हैं। तो जरूरी यह हो जाता है कि आपके बीच संवाद बना रहे ताकि हमारी सरकारों पर दबाव हो, वो शांति कायम करें। तो यह मेरा मानना है। इस वक्त मौजूदा स्वरूप में बातचीत के कोई फायदे नहीं है। बातचीत की मेज पर आईएसआई और आर्मी को भी आना पड़ेगा, मगर एट द सेम टाइम देयर हैज टू बी अ डायलॉग बिटवीन पाकिस्तानी पीपल एंड इंडियन पीपल। हम में और उनकी जनता में लगातार संवाद, मोहब्बत जो है वो बनी रहनी चाहिए। मगर हां, ये शर्तों वाली राष्ट्रवाद से देश को सिर्फ नुकसान होगा, क्योंकि ये शर्तों वाली राष्ट्रवाद के पीछे सिर्फ सियासत है। इसका मकसद है कि हमें चुनाव जीतना है, किसी भी कीमत पर चुनाव जीतना है। ये है आपका राष्ट्रवाद मोदी सरकार, इसके अलावा कुछ नहीं है। और इससे देश को सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचेगा। हो सकता है आपको कुछ वोट मिल जाएं, लाख दो लाख वोट्स मिल जाएं, क्योंकि अंधे भक्त हैं इस देश के, ऊपर वाले माले में तो कुछ भी नहीं है, देख नहीं रहे हैं कि ये सरकार शहादत पर इतनी शर्मनाक सियासत कर रही है। इतने दिन हो गए हैं, क्या किसी न्यूज चैनल में आज तक पूछा कि वो 350 किलोग्राम लेकर वो आतंकवादी आखिर हमारे सैनिकों की बसों तक पहुंचा कैसे? आखिर वो सैनिक क्यों जा रहे थे आम बसों में, बख्तर बंद गाड़ियों में उन्हें क्यों नहीं भेजा गया? तीसरा सवाल क्या आपने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी अगले ही दिन से इस पर सियासत क्यों कर रही थी? ये सवाल आप नहीं पूछेंगे। ये मेरा राष्ट्रवाद है, और इन सवालों पर आंख मूंद लेना यह तुम्हारा फर्जी कचरा राष्ट्रवाद है। यह फर्क है तुम में और मुझ में। मैं हूं देशभक्त, तुम्हारी भक्ति सिर्फ एक व्यक्ति को लेकर है, तुम्हारी देशभक्ति के कोई मायने नहीं है। और मैं तब भी कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपकी देशभक्ति एक व्यक्ति को लेकर भी केंद्रित है तो मुझे उस पर भी कोई आपत्ति नहीं है। मगर दूसरों के बारे में आप तय नहीं कर सकते कि उनकी जिंदगी कैसे चलेगी। मुझे आपत्ति इस बात पर है, क्योंकि बोल कि लब आजाद है तेरे। नमस्कार।